नमस्कार, शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल शेखावत और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। आइए रुख करते हैं खबरों का। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ एक्शन की सचिन पायलट की मांग पर सीएम अशोक गहलोत ने इशारों में साफ इनकार कर दिया है। अशोक गहलोत ने साफ कहा, वसुंधरा राजे के खिलाफ कोई मामला ही पेंडिंग नहीं है। मीडिया को दिए इंटरव्यू में सीएम गहलोत ने कहा, जहां तक वसुंधरा राजे के खिलाफ एक्शन का सवाल है तो मैं अभी भी तैयार हूं। मुझे कोई आम नागरिक भी बताए कि यह उस वक्त की बाकी रह गया था, हमने जो आरोप लगाए थे उसका मैं निस्तारण कर चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और माइंस का एक बड़ा मुद्दा था, वह सारी माइंस कैंसिल हो चुकी है। गहलोत ने कहा, वसुंधरा राजे के खिलाफ एक मुद्दा बचता है, वह मुद्दा ईडी का है। मेरे हिसाब से बाकी कोई मुद्दा पेंडिंग नहीं है, अब कोई बताएगा तो कार्रवाई कर देंगे। सचिन पायलट ने 15 मई को अल्टीमेटम देकर गहलोत सरकार से तीन मांगे रखी थी। पायलट ने वसुंधरा सरकार के करप्शन के खिलाफ हाई पावर कमेटी बनाने, RPAASS के भंग कर पुनर्गठन करने, इसके अध्यक्ष मेंबर चयन की पूरी प्रक्रिया में अमूलचूल बदलाव करने और पेपर लीक से प्रभावित बेरोजगारों को मुआवजा देने की मांग की थी। गहलोत ने सिंधी कैंप टर्मिनल के लोकार्पण के मौके पर मुआवजे की मांग को बुद्धि का दिवालियापन बताकर खारिज कर दिया था। RPSC की भंग करने की मांग पर एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पायलट परिवार के मेंबर हैं, उनकी बात का वजन है, उनकी मांग के बाद हमने एग्जामिन करवाया है। संविधान में RPSC को भंग करने का प्रावधान नहीं है। अब वसुंधरा राज सरकार के खिलाफ एक्शन पर भी कोई मुद्दा पेंडिंग नहीं होने का बयान देकर गहलोत ने पायलट की तीनों मांगों पर जवाब दे दिया है। तीनों ही मांगों को पूरा करने से इशारों में साफ इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि आज 11 जून और स्वर्गीय राजेश पायलट की बरसी के मौके पर पायलट दोसा में श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करेंगे। इसी के साथ उनकी नई पार्टी बनाने की अफवाहों पर भी विराम लग जाएगा। राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न खेल अकादमियां स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 7 जिलों में खेल अकादमियों के लिए 14.25 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है। सीकर के कोलीड़ा एवं बांसवाड़ा में फुटबॉल अकादमी, बीकानेर में साइकिलिंग अकादमी, भीलवाड़ा में कुश्ती अकादमी, राजगढ़ चूरू में एथलेटिक अकादमी तथा बाड़मेर व सीकर में बास्केटबॉल अकादमी की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों का निर्माण 2.2 करोड़ रुपए की लागत से होगा। साथ ही डीडवाना नागौर में कबड्डी अकेडमी का निर्माण 25 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय से स्थानीय स्तर पर ही युवाओं को खेलों में भाग लेने के अवसर प्राप्त होंगे। राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है। अब से कुछ महीनों बाद ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में जहां कांग्रेस की गहलोत सरकार एक बार फिर से सत्ता हासिल करने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की सत्ता से बेदखल करने का पूरा जोर लगा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि राजस्थान में बीजेपी को किसके चेहरे पर चुनाव लड़ने से ज्यादा फायदा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया? तो इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए सर्वे किया गया और पता चला कि राजस्थान में बीजेपी को किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए। ऑल इंडिया सर्वे में लोगों से पूछा गया कि बीजेपी को राजस्थान में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए, जिसमें 51% लोगों ने पीएम मोदी का नाम लिया, 26% लोगों ने वसुंधरा राजे और 23% लोगों ने कहा कि पता नहीं। इस सर्वे में 2064 लोगों से बात की गई है। इस सर्वे इसी हफ्ते किया गया है, जिसमें मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। राजस्थान में चुनावी आहट सुनाई देने लगी है, क्योंकि अब सभी दल अपने अपने दावे पर वादे में लगे हैं। आज आम आदमी पार्टी ने अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने दावा किया है कि प्रदेश में अपराधी बेखौफ होकर आए दिन लूट, हत्या, फिरौती, अपहरण और महिला अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। नवीन पालीवाल, उन्होंने
कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सीएम गहलोत के कार्यकाल में आम जन को छोड़ो, अपराधी बेखौफ होकर मंत्री विधायक को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि हाल ही में नेता प्रतिपक्ष को भी जान से मारने की धमकी दे दी। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश में अपराधियों को सरकार या कानून का बिल्कुल भी डर नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि अभी दो दिन पहले ही 12 कांग्रेस के नगर अध्यक्ष गौरव शर्मा को जमीन विवाद में गोली मार दी गई। इतना बड़ा ही नहीं, प्रदेश में आए दिन रेप की घटनाएं भी बढ़ गई है। नागौर सीट से RALP सांसद हनुमान बेनीवाल ने भ्रष्टाचार के मामले में राज्य के सीएम अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो बीजेपी पर भी लगातार हमलावर रहे हैं। वह हाल ही में प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ भी नजर आए थे। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर राजस्थान की जनता को लूटने के भी आरोप लगाए हैं। हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पर जहां जुबानी हमले कर रहे हैं, तो बीजेपी को धरातल पर अच्छा खासा नुकसान पहुंचा चुके हैं और इसका उदाहरण राजस्थान में हुए विधानसभा चुनावों में देखने को भी मिला है, जिसके बाद से 2024 के लोकसभा चुनाव जाट बहुल वाली सीटों को लेकर बीजेपी ने चिंता बढ़ गई है। RLP के राजस्थान में 3 विधायक हैं, जिसका जाट वोटों पर पकड़ माना जाता है। राजस्थान की जनसंख्या में 15% हिस्सा जाटों का है, जबकि 200 विधानसभाओं में से 50 से 60 पर जाटों के वोट से ही चुनाव के परिणाम तय होते हैं। बता दें कि 2018 में 31 जाट नेताओं को जीत भी मिली थी। ऐसे में बीजेपी पर जाट नेता को उम्मीदवार बनाने का भी दबाव होगा और हर जगह नुकसान का खतरा RLP से रहेगा, जो उसके वोट काटते आई है। प्रदेश में एक और सीएम अशोक गहलोत, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, ₹500 में गैस सिलेंडर, फ्री स्मार्टफोन देने जैसी योजनाओं का जोर शोर से प्रचार करके महंगाई से राहत देने का वादा कर रही हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी में इन्हें लेकर अब खलबली नजर आने लगी है, क्योंकि खुद सीएम गहलोत सप्ताह में 5 दिन अलग अलग जिलों में जाकर इन योजनाओं को प्रभावशाली तरीके से लागू करने में जुटे हैं। बीजेपी नेता समझने लगे हैं कि प्रदेश में चल रही डायरेक्ट बेनिफिट और राहत देने वाली मुफ्त वाली सरकारी योजनाओं से कांग्रेस के पक्ष में बन रहे माहौल का असर कम करने के में सरकार की नाकामियां की कारगर साबित होगी। ऐसे में बीजेपी ने अब सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की उसी रणनीति को अपनाना शुरू कर दिया, जिसके आधार पर उसे कर्नाटक में हार का मुंह का देखना पड़ा था। कर्नाटक में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। वहां 40% कमीशन का नारा देकर कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। ऐसे में अब राजस्थान में बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव करके बिजली उत्पादन को के लिए कोयला खरीद में गड़बड़ी, IT के ठेकों में भ्रष्टाचार और पेयजल प्रोजेक्ट में धंधली के मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। बीजेपी नेता दावा कर रही है कि कांग्रेस जिन योजनाओं के भरोसे सरकार रिपीट करने का दावा कर रही है, असल में वे चुनावी छलावे के सिवा कुछ नहीं है। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि जयपुर के टुकड़े नहीं होंगे, जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण नहीं होंगे। अफसर जयपुर के दो टुकड़े करने का फैसला कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा, सरकार के एक हिस्से ने जब कह दिया कि जयपुर के टुकड़े नहीं होंगे तो मान लेना चाहिए। प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। खाचरियावास ने कहा, यह मुद्दा कैबिनेट में डिस्कस नहीं हुआ, नहीं तो जयपुर उत्तर और दक्षिण के लिए क्या मैं हाँ कर देता? मैं उसी समय कैबिनेट में विरोध दर्ज करवाता, यह फैसला होने ही नहीं देता। सरकार ने कर भी दिया तो अब ठीक हो जाएगा। सरकार हमेशा जिद से नहीं चलती, सरकार प्यार और प्रेम से चलती है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है तो सुधार हो जाएगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है। इस संभावित फेरअप दल को लेकर दिल्ली में कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह को RAP के दिल्ली आवास पर हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक को लेकर मीडिया से दूरी बनाई गई, बेहद गुपचुप तरीके से सभी पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। बैठक से मिल रहे फेरअप दल
के बड़े संकेत प्रदेश के कुछ बड़े नेताओं को भेजा जा सकता है। केंद्र संगठन में युवा नेताओं को प्रदेश संगठन में मिल सकती है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, अरुण सिंह, सह प्रभारी विजया रहा का रही मौजूद। प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर के भी बैठक में शामिल होने की सूचना। बैठक में चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर की चर्चा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना के सितारे इन दिनों चमक रहे हैं। राजस्थान में वह सत्ता का नया केंद्र साबित हो रहे हैं। प्रदेश में ईडी को न्योता देने वाले और साथ में सबूत देकर कांग्रेस की सांसें अटकाने वाले किरोड़ी लाल मीना इन दिनों सुर्खियों में हैं। आगामी चुनाव में मद्देनजर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना का रोल काफी महत्वपूर्ण होते जा रहा है। वे हर रोज ईडी में दर्ज करवा रहे हैं कोई ना कोई शिकायत। गहलोत कैंप और दूसरे नेताओं के खिलाफ शिकायत ईडी के दफ्तर के बाहर भी खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी की इस भूमिका से राज्य के कई भाजपा नेता हैरान हैं। पिछले कई महीनों से डॉक्टर किरोड़ी जुटा रहे थे जानकारियां, पेपर लीक और दूसरे मामलों में जुटा रहे थे जानकारियां। सूत्रों के अनुसार फिर अमित शाह से मिलकर उन्हें सौंपा शिकायतों का एक पुलिंदा और इसके बाद अब पेपर लीक और दूसरी कई मामलों में राजस्थान में ईडी हो रही है सक्रिय। ईडी के बाद अब कुछ मामले में सीबीआई भी हो सकती है एंट्री। ईडी और सीबीआई से जुड़े मामलों में डॉक्टर किरोड़ी की सक्रियता देख राजनीतिक प्रेक्षक ने की टिप्पणी। कहा, जो रोल महाराष्ट्र में बना है फडणवीस का, कुछ ऐसा ही रोल बन रहा है राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ी का। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पद से हटने के 3 माह बाद सतीश पूनिया ने एक किताब प्रकाशित कराई है जिसमें खुद के सवा 3 साल की वर्किंग का लेखा जोखा रखा है। इसका टाइटल भाजपा राजस्थान की 3 वर्ष संगठन सेवा और संघर्ष का नाम दिया है। यह पुस्तिका नेताओं और कार्यकर्ताओं को पहुंचाई जा रही है। भाजपा में अंदरूनी रूप से इस किताब की चर्चा हुई है। आखिर चुनावी साल में पद से हटने के बाद इस तरह की बुकलेट जारी करने के मायने क्या हैं? क्या इसमें दर्द छिपा है? बताया जा रहा है कि इसकी कॉपी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, सभी केंद्रीय मंत्री, भाजपा के सभी केंद्रीय पदाधिकारियों, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों, सभी लोकसभा व राज्यसभा सांसद व विधायकों को भिजवाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भले ही नागरिकों को मुफ्त बिजली देने का चूना पैंतरा चला दिया है, लेकिन अब भी प्रदेश में करीब 7 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बिजली का बिल झटका दे रहा है। सरकार के राहत शिविरों में करीब 70% उपभोक्ताओं ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है। ऐसे में शेष बचे 30% उपभोक्ताओं को बगैर रियायत का बिल मिल रहा है। इसके अलावा पूर्व में मिल रही सब्सिडी भी जून माह के बिलों से गायब हो गई। ऐसे में एकाएक बिजली उपभोक्ताओं का बिल बढ़ गया है। इसके साथ ही जिन उपभोक्ताओं के एक से अधिक बिजली कनेक्शन है उन्हें भी अतिरिक्त कनेक्शन पर पूरी राशि का बिल जारी किया गया है। बिजली मित्र वेबसाइट व ऐप से डाउनलोड बिलों में भी अनुदान की राशि शो नहीं हो रही है। अब इन बिलों में डिस्कॉम अगले सप्ताह करेक्शन कर सकता है। झुंझुनू खेतड़ी जंगल सफारी से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाल ही में अभयारण्य में सफारी का उद्घाटन हुआ था और महज 5 दिन के भीतर ही पर्यटक को एक पैंथर के दीदार हो गए। सायकाल आए हरियाणा के पर्यटकों को पैंथर दिखा है। खेतड़ी बाशियाल रिजर्व कनेक्शन सैलानियों का मुख्य आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। साथ ही खेतड़ी फोर्ट, अजीत विवेक म्यूजियम, पन्ना सागर तालाब, अजीत सागर बांध व कई भव्य मंदिर भी सैलानियों को लुभा रहे हैं। पर्यटक स्थल रेंजर विजय फगेड़िया की टीम अभयारण्य में नीत नए नवाचार कर रही है। जयपुर के चांदपुर में नकली घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। यहां से 3000 लीटर तैयार नकली घी और करीब 4000 लीटर तेल जब्त किया गया है। शनिवार शाम को यह कार्रवाई फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने की। टीम ने जब्त किए नकली घी के सैंपल लैब में जांच के लिए भिजवाए हैं।
पकड़ा गया कि घी सरस कृष्णा और महान जैसे ब्रांड के नाम से बाजार में बेचा जा रहा था। इनकी पैकिंग हूबहू कंपनी की पैकिंग की तरह होती है। मौके से फैक्ट्री संचालक संजय शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में परंपरागत चिकित्सा प्रणालियों के विकास और विस्तार के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100 आयुष चिकित्सालयों और औषधालयों में यूनानी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही इन सुविधाओं के संचालन के लिए कुल 200 पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। इन 100 आयुष चिकित्सालयों और औषधालयों में यूनानी चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक अस्पताल में यूनानी चिकित्सा अधिकारी और यूनानी जूनियर नर्स और कंपाउंडर के 1.1 पद क्रिएट किए जाएंगे। इनके लिए 20 लाख रुपए लागत से आवश्यक फर्नीचर और उपकरणों की खरीद भी की जाएगी। गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश में परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर कदम उठाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके तहत किसानों को जैविक बीज, जैव उर्वरक और कीटनाशी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस वर्ष 1.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक में परिवर्तित कर कृषकों को लाभ दिया जाएगा। इसमें लगभग 23.47 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसी प्रकार 50,000 कृषकों को जैविक खेती के लिए प्रति कृषक 5,000 रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। इस राशि में कृषक खेतों को उर्वरकता बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। कोमल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।